जैसे कोई स्मार्टफोन में जो एंड्रॉयड नया वर्जन लॉन्च होता है तो हमारे अंदर एकदम से उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम भी यूज करें उस एंड्रॉयड वर्जन को, जो कि अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड है आपका, एंड्रॉयड 9 या एंड्रॉयड पाई कह लें या एंड्रॉयड पी कह लें। तो ये जो नया एंड्रॉयड वर्जन, उसके यूज करने की उत्सुकता हमारे अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ नया फीचर्स लेके आया होगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, आपके स्मार्टफोन में इतनी जल्दी रोल आउट नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको उसकी अपडेट्स मिले भी ना इन फ्यूचर। तो अगर आप बिना कुछ किए, बिना कोई चेंजेस किए अपने सिस्टम में, बिना कुछ रूट किए हुए, अगर आप उसकी फील लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नितेश, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। इसका फील लेना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने जो स्मार्टफोन का प्ले स्टोर है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा एंड्रॉयड पाई लॉन्चर। जो पहला रिजल्ट आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी, उसे जाके डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, और आगे के स्टेप स्क्रीन पर देखते जाए।
ये जो ऐप है जी वो आपको एंड्रॉयड पाई की थोड़ी बहुत फील दे देता है, और इसमें जो वॉलपेपर्स है, इसकी जो थीम्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें आप नीचे ब्राउज करके और भी अच्छे अच्छे थीम्स और वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनचाहे अनुसार उसकी थीम को सेट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जो फ्री फीचर है वो मोर देन इनफ है। अगर आप उसकी पूरी फील लेना चाहते हैं इस ऐप की, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो परचेज सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ घंटा भी दबा देना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।